नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। हमने कल ये वाली वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है कि सलार मूवी पोस्टपोन होने वाली है। क्यों, किस वजह से, क्या कारण है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके वाली वीडियो देख सकते हैं। पर दोस्तों बात करी जाए तो अब हम सभी के बीच में स्टारर प्रभास, श्रुति हसन, जगतपति बाबू और दोस्तों पृथ्वीराज जैसे बड़े बड़े एक्टर को लेके बनने वाली फिल्म सलार, जिसके अंदर आपको दमदार एक्शन देखने के लिए मिलेगा और स्टोरी KGF चैप्टर 2 और KGF चैप्टर 3 से कनेक्ट करी जाएगी। हाल फिलहाल दोस्तों मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं प्रशांत नील और प्रशांत नील के ही स्टोरी लाइन के साथ में बनाई गई ये फिल्म, जिसको हम सभी के बीच में 27 से 28 सितंबर को रिलीज होना था। यानी कि इसके पहले जवान मूवी रिलीज हो जाती, उसके बाद में बज बनता किसका, सलार मूवी का। पर दोस्तों किसी ना किसी कारणवश यानी कि दोस्तों इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया। अब दोस्तों पोस्टपोन क्यों करा ये आप सबको हमारी पुरानी वीडियो में मिल जाएगा। अब बात करी जाए कि ये मूवी हम सभी के बीच में कब रिलीज हो सकती है, तो आपको बता दें कि ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से हमारे पास अपडेट आ चुकी है। हालांकि दोस्तों ऑफिशियल उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं करा, पर दोस्तों मुझको 99% कंफर्म है कि इस दिन इस मूवी को रिलीज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सूत्र ऐसा बताते हैं। और दोस्तों आपको यकीन बता दें कि जो अपडेट हम आपको देंगे ना, पूरे यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो बना रहा हूं और सबसे पहली अपडेट मैं आपको दे रहा हूं बना के। जी हां, इस मूवी को हम सभी के बीच में सितंबर को रिलीज होना था और दोस्तों इस मूवी का पोस्ट प्रोडक्शन कास्ट का कुछ अच्छे से काम नहीं हुआ, जिसके वजह से प्रशांत नील सर ने इस मूवी को रोक दिया। अब दोस्तों रोक दिया तो मूवी का ट्रेलर कब आएगा वो तो भगवान जाने, उसके अपडेट भी काफी जल्द आ जाएगी, वीडियो बना देंगे। पर दोस्तों रही बात मूवी की, तो अब जो हम सभी के बीच में अपडेट निकल के आ रही है वो है कि ये फिल्म हम सभी के बीच में नवंबर को रिलीज करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कौन सी तारीख, कौन सा समय और क्या फायदा है वहां पर रिलीज करने से, तो दोस्तों जो हमारे पास तारीख निकल के आई है वो है 10 नवंबर, क्योंकि दोस्तों 10 नवंबर को है छुट्टी और है धनतेरस, और धनतेरस के बाद में इस मूवी को एक काफी लंबी छुट्टी मिलने वाली है। कैसे, 10 तारीख को तो छुट्टी रहेगी सही, क्योंकि धनतेरस है, उसके बाद में 11 तारीख को वर्किंग डे रहेगा, पर दोस्तों वो रहेगा शनिवार, और शनिवार को सभी फिल्मों के टिकट रेट बढ़ जाते हैं, आप सभी को पता है, अच्छा कलेक्शन करती है मूवी। फिर आएगी दोस्तों दीपावली, और दीपावली के दिन इस मूवी के कलेक्शन ऐसे उड़ेंगे आसमान के अंदर और करेगी यह मूवी दमदार कमाई। उसके बाद आते हैं दोस्तों 13 और 14 दिन, यानी दोस्तों 13 तारीख और 14 तारीख, ये दोनों ही दिन मूवी हम सभी के बीच में डाउनफॉल करेगी। पर दोस्तों बात करी जाए कि ये फिल्म अपने छठे दिन कितना शानदार कलेक्शन करेगी, तो दोस्तों छठा दिन है भाई दूज, और भाई दूज को एक बार फिर से छुट्टी, तो दोस्तों इस मूवी को ऑलरेडी 4 छुट्टी मिलेगी और 4 छुट्टियों में सलार मूवी जम के कमाई करने वाली है। हाल फिलहाल में दोस्तों मूवी का जो बज़ है वो भारत में तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, पर दोस्तों विदेशी मार्केट में मूवी का बज़ कम बनता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते प्रशांत नील इस मूवी को कई सारी कंट्री में रिलीज़ करेंगे और इसी वजह से इस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सलार मूवी 10 नवंबर धनतेरस को रिलीज़ करी जा सकती है। वैसे दोस्तों आपको हमारी अपडेट कैसे लगी, और अगर आपको भी चाहिए ऐसे ही सबसे पहले अपडेट, तो आपके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।